अपर दीर में अफसोसनाक वाकया, पातराक के इलाके में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बाद छत गिर गई। एक ही खानदान के 13 अफराद जहां बाग, मरने वालों में 9 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। कराची में समंदरी तूफान का खतरा, बहिर अरब में बनने वाला तूफान असना का फासला 200 किलोमीटर से भी कम रह गया। कराची में आज तेज बारिश मुतवक्के, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बदीन में मुमकिन समंदरी तूफान से लोगों में खौफ व हिरास। सियासतदानों पर कुछ अरसा पाबंदी लगा देनी चाहिए, गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी की तजवीज़। कहा वज़ीर आज़म की अंतक मेहनत के बावजूद नताइज नहीं आ रहे, सोशल मीडिया पर झूठे बयानी से मुल्क की रुसवाई हो रही है। कौमी असम्बली में मुस्लिम रहनुमाओं की नशस्त में इजाफा, 79 गुजरांवाला में वोटों की दोबारा गिनती में जुल्फिकार भिंडर कामयाब। जुल्फिकार भिंडर ने 95,604 वोट लिए। पीटीआई हिमायत याफ्ता एहसानुल्ला विर्क ने 92,581 वोट लिए। आम इंतखाबात में एहसान विर्क 104,023 वोट लेकर जीते थे। सिंध भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान, थत्था में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मीरपुर खास 5 घंटे की बारिश से डूब गया। मेहड़ के 100 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। बद्दीन, उमरकोट, दादू, थरपारकर, नौशहरो फिरोज, टंडुआ, लायार में शदीद बारिश। हैदराबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुल्क में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, सरगोधा, गोजरा, हाफिजाबाद में जल थलेक। जहलू में बारिश से सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। बादिये कुमराट में मूसलाधार बारिशें, कुमराट से सैलाबी रैला धराए, पंचगोड़ा में दाखिल। मनहोर नाला एक बार फिर बिफर गया, पानी बाजार और दुकानों में दाखिल। चलास और दयामीर के बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, सियाहती मकान बाबूसर टॉप पर भी सफ़ेद ओलों की बरसात। हमने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत सूबा है, उसकी तरक्की और खुशहाली के रास्ते में तमाम रुकावटें दूर करनी है। तमाम दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो खारजी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और जो अंदर जो घुस बैठे हैं, उन्होंने मिलकर ये नापाक का इन्होंने स्कीम बनाई, उसके नतीजे में पाकिस्तानी शहीद हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान को तस्लीम ना करने वालों का खात्मा मुल्की तरक्की के लिए नागुजीर करार दे दिया। बलोचिस्तान को खून से नहलाने वालों को कुचल देंगे। दहशत गर्दों से किसी रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ का कोयटा में खड़े होकर 2 टोक पैगाम। शोहदा का लहू रायगा ना जाने देने का अज़्म किया। कहा कि बलोचिस्तान में घुसपैठियों ने नापाक स्कीम बनाई, अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और दीगर अमूर से मुतालिक अहम इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत अस्करी और सियासी क़यादत की शिरकत। सियासी जमातों के सरबराहान ने वज़ीर-ए-आज़म को बलोचिस्तान के अवामी मसाइल से आगाह किया। इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जामे जायजा लिया गया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने का आज़्म। बिजली के बिलों पे, उस पे हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। हम विंड पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां भी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रहे हैं कि वो आए हमारे साथ दें, पाकिस्तान की मीशत में भी अपना हिस्सा डालें और हमें सस्ती बिजली पैदा करने में मदद करें। मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाएं, आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले और अगर आप सुबह सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते हैं तो बाहर में जाएं, मेरा सोलर आप ऐसे ही कर ले। पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है, फिर जो है हम अपना सोलर का जो निज़ाम है, जो हमारे मनसूबे हैं, वो हम करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग का बिजली सस्ती करने का ऐलान समझ से बाहर करार दे दिया। कहते हैं बिजली सस्ती करने का फैसला पेट्रोल सस्ता करने जैसा है। बानी पीटीआई को लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद का खौफ था। 2022 में पेट्रोल सस्ता करने का फैसला गलत था, अवाम आज तक खमियाजा भुगत रहे हैं। 2 माह के रिलीफ पर 12 माह की तकलीफ मिल सकती है। रिलीफ पर मुखालिफीन की परेशानी पर हैरान हुई
रिलीफ देने पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। बिजली रिलीफ एहसान नहीं, आवाम का हक है, मसाइल का हल हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब, कहा आइंदा गर्मियों में भी रिलीफ देंगे, इसके लिए अभी से काम शुरू कर दिया। सूबाई काबीना ने बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। दूसरे मंसूबे बनाते हैं, हम काम करते हैं, वफाक सही चीज़ों पर काम करे तो सस्ती बिजली बनेगी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली चाक का सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा कि 2 लाख सोलर पैनल तकसीम कर रहे हैं, सोलर ट्यूबवेल के लिए कर्ज देंगे, सोलर ट्यूबवेल की लागत 20 लाख। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मानी खेज गुफ्तगू, कहते हैं कोई प्राइवेट बिल हुकूमती बिल नहीं होता, हुकूमती अरकान के बहुत से बिल पड़े हुए हैं, हुकूमत कानून साजी में सरप्राइज देने का इरादा नहीं रखती, चीफ जस्टिस की तौसी की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, तौसी का फैसला मैंने नहीं करना, बानी पीटिया का केस फौजी अदालत भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज में अवान सदर में तकरीर, सदर आसिफ जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता किया, अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। तकरीब के बाद सदर मुमलिकत से अरशद नदीम की मुलाकात भी हुई। फितना अल खवारिज से मुज़ाकरात का कोई प्लान नहीं, तालिबान पाकिस्तानियों की खून रेजी में मुलविस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे, पाकिस्तान का एक बार फिर अफगान हुकूमत से मुतालबा, तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि फलस्तीन में फौरी जंगबंदी की जाए, IP गैस पाइपलाइन के हवाले से पाकिस्तान और ईरान राबते में। यकुम सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी मुतवक्के, पेट्रोल 2.97 रुपए लीटर सस्ता हो सकता है, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.31 रुपए कमी की तजवीज़, मट्टी का तेल 1.39 रुपए सस्ता करने की तजवीज़ है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की कनेड गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड आमद बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च कर दी, कमसिन बच्ची की इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन मुहिम का बाकायदा आगाज किया, बच्ची को गोद में उठाकर प्यार किया, स्कूल बैग का गिफ्ट भी दिया। वज़ीर-ए-आला ने स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया, बच्चियों से मिलने क्लास रूम गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। 2 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 से बढ़तरी हासिल, पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए मैच जीतना होगा, शाहीन आफरीदी टीम का हिस्सा नहीं। एहसन शाह की हलाकत से कबल की ऑडियो सामने आ गई, जेल से पुलिस अफसर के कत्ल के लिए शूटर का बंदोबस्त करने का इंकशाफ, जेल से खातून दोस्त को फोन में कहा कि जेल में फनकार बन गया हूँ, सारा प्लान बना लिया, लड़के भी तैयार हैं, आते ही सऊदीया चले जाना है। एहसन शाह अमीर बलाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजम था। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में जाली तस्वीर और जाली अकाउंट का इस्तेमाल, एक्सपर्ट एलन मस्क के जाली अकाउंट से डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की गई, 56 अकाउंट्स के जरिए चोरी शुदा तस्वीर से रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाई गई। यमन में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी, मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक, अलमहवीत में 3 डैम टूट गए, गाड़ियां सैलाबी पानी में बह गई, मल्हान जिला में मिट्टी के तोदे गिरने से कई मकान तबाह हो गए, जापान के जजीरे क्योशो से तूफान शान टकरा गया, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए।